सिग्नल सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट इसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कंक्लूड करने वाले हैं। साइन हाइपरबोलिक 3t और दिया हुआ है कॉस स्क्वायर टी। चलो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जी? कॉस स्क्वायर का बनाया था, देखो कॉस स्क्वायर का बनाया था, नहीं वाला बनाया था कि नहीं तुम लोग बताओ। चिताया था कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कितना आया था? 1 प्लस cos 2t। इसको लिखना है ऐसे, इसको पहले निकालो। 1 प्लस cos 2t डिवाइड बाई 2। इसका लाप्लास निकालना है। चलो बताओ कैसे निकालोगे लाप्लास। 1/2 बाहर, 1 प्लस लाप्लास कॉस 2t। तो क्या होता है कॉस 2t का बताओ? 1/2, 1 का 1/s प्लस 2s/4। क्लियर? अब साइन हाइपरबोलिक 80 इसका लिखा है इस तरीके से, इसको फिर करना है। तो साइन हाइपरबोलिक अभी किसका आया जी, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया? कॉस हाइपर कॉस स्क्वायर टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया? क्लियर हो गया? अब हमको ये इसका तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या? साइन हाइपरबोलिक 80 कॉस स्क्वायर टी, इसका हमको चाहिए। तो साइन हाइपरबोलिक टी बताया था कि नहीं, क्या होता है करके? ई का पावर 80 माइनस ई का पावर माइनस 80 डिवाइड बाई 2, ये बताया था। साइन हाइपरबोलिक क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक का मतलब ये होता है। अब इसमें किसका गुणा करना है? कॉस स्क्वायर टी का। तो कॉस स्क्वायर टी गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? ई का पावर 80 कॉस स्क्वायर टी माइनस ई का पावर माइनस 80 कॉस स्क्वायर टी। ई का पावर 80 फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इसका लाप्लास निकालना है। पहले इतने के निकाले थे, इतने के निकाले थे कितना आया था? ये आया था ना, आया था ये। क्या था? 1/2 1/s प्लस 1/s² + 4। अब इसका ई का पावर 80 से गुणा करेंगे। याद करो क्या था एक पावर 80 से गुणा करने से, कैसे जी? सत्य। तो क्या हो जाएगा? s माइनस a, तो हाफ
वन बाई एस माइनस ए प्लस वन बाई एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस फोर, और कॉस रहता है तो ऊपर में क्या होता है एस होता है, यहाँ से ये एस भी रहेगा, तो यहाँ से एस माइनस ए, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आगे माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा ना जी, वन बाई ए प्लस एस प्लस ए, आगे इतना होगा नहीं होगा, ऐसा समझ में सबको, है कि नहीं जी, बताओ जल्दी। देखो इतना लंबा आता नहीं है ना, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसका। देखो कॉस स्क्वायर टी वन प्लस कॉस टी टू पे टू, अब वन का वन बाई एस होता है ना जी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे जी, लोगांस वन का वन बाई एस कॉस का एस बाई एस स्क्वायर प्लस फोर, उस तरीके से कॉस स्क्वायर टी का क्या हो गया इतना। अब हमको इसका चाहिए नहीं, कॉस हाइपरबोलिक का चाहिए साइन, तो साइन हाइपरबोलिक मतलब क्या होता है, एक पावर एटी एक पावर माइनस एटी बाई टू, इसको मल्टीप्लाई करते अंदर क्या बोलो, वो डायरेक्ट डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, केवल इतना ही था, उसको ऐसे लिख देते हैं, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। आप ऐसा नहीं हाँ ठीक, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना जी, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ है ना, बस इतना हो गया। ऐसा नहीं आता, मैं तुमको सिखा रहा हूँ कैसे कैसे बनाते हैं, नहीं आता ऐसा है ना। हाँ हाँ पास का नहीं, एक पावर माइनस एटी है, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, इतना लंबा देगा तुमको लग रहा है हाँ, हाँ इसमें प्लस हो जाएगा बीच में, नहीं वो सेम रहेगा, बस यहाँ पर प्लस रहेगा ठीक। जैसे कॉस हाइपरबोलिक एटी, इसका फार्मूला होता है एक पावर ए टी माइन प्लस एक पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई टू, इसका डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक, और इसका ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर हो गया सबको ठीक। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, मैं कुछ नई चीज़ बताने वाला था, यहाँ तक हो गया, उसको बता दिया था ना, कॉस क्यूब का फार्मूला लिखो, लिखोगे क्या होता है कॉस क्यूब का फार्मूला, याद है कुछ बन जाएगा
वन बाई फोर कॉस थ्री ए प्लस थ्री कॉस ए, ये होता है फार्मूला। इसको लगाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना ओम प्रकाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो इनवर्स, इसमें कुछ पीरियोडिक फंक्शन उसका बता देता हूँ, इसमें आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि देखो अब इसका पूछा है, देखो सॉल्यूशन भी भेज दिया क्वेश्चंस का, उसको बनाना। अब मैं कुछ पीरियोडिक फंक्शन लाप्लास बता देता हूँ, इसको हम कंक्लूड करेंगे। चलो देखो नहीं लिखाना होगा। चलो इसका पूछेगा फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ टी माइनस अल्फा यू ऑफ टी माइनस अल्फा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलो निकाल के बताओ, ट्राई करो सब लोग। ट्राई करो सब लोग, देखते हैं कैसे बनाते हैं।
कितना आएगा जी बताओ? ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वैसे ही सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जैसे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिया हुआ है कैपिटल एफ ऑफ एस, अब हमको निकालना है जी ऑफ टी। एक ऐसा फंक्शन है जो कि एफ ऑफ टी माइनस ए है तो जीरो फॉर टी लेस देन ए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब जी ऑफ टी बराबर क्या होगा, टी का पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, दैट इज कॉल्ड सेकंड शिफ्टिंग। अब टाइम में कम जाएंगे तो इधर टी का पावर माइनस हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या था, डायरेक्ट एस की जगह एस माइनस ए कर रहे थे, उसी तरीके से इसका बनेगा। तो टी साइन ऑफ टी का हमको पता है कि नहीं जी, क्या होता है साइन ऑफ टी का बताओ, कौन बताएगा? ए की जगह वन है, एस स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ देखो अल्फा से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ना, तो क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगा, टी का पावर क्या आएगा एक्स्ट्रा बताओ? अल्फा एस जो भी है ए रहेगा, ए अल्फा रहेगा, अल्फा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल, इसको पूछता है इस पीजी है कि नहीं, प्रॉपर्टी जानोगे तो। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वाले में, अब तुमको पता होगा, देखो इधर एक पावर माइनस एटी गुणा करते थे तो क्या हो जाता था, एस की जगह एस प्लस ए होता था। इतना क्लियर था कि नहीं, कैसे जी वंस वंस, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग। अब देखो यहाँ पर टी माइनस ए मतलब हमको टी का पता है, टी माइनस अल्फा का पता है क्या बताओ? उसी के लिए इसको इस तरीके से करते हैं। अब आए समझ में, प्लस ठीक है ना, क्लियर हो सबको? बाकी बाकी लोग भग गए क्या? कैसे जी समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा तो रट लो, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा तुमको। ये सब मैं प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस। अब ऐसा नहीं, ठीक, जैसे कि वही आंसर है। हाँ ये तो सिखा रहा हूँ, पूरे का आंसर ये है, ये सिखा रहा हूँ। देखो नहीं छू नहीं पाओगे क्वेश्चन को, जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन से, जैसे यू ऑफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन बाई एस होता है, कैसे जी? तो टी माइनस अल्फा कौन बताएगा क्या होगा? क्या होगा बताओ? अल्फा एस
बाई एस इतना होगा ना जी। हाँ जैसा कि अब क्लियर, बस दैट इज द सेकंड सेफ्टी प्रॉपर्टी। इसको ऐसे तरीके से, ये क्या चीज है जो आप टी है ना, यो आप टी माइनस अल्फा कैसे प्लॉट करोगे, प्लॉट करना सिखा दिया था ना, ये आगे से होगा इस ऐसे चलोगे ना जी, अल्फा चलोगा तो डायरेक्ट ऐसे देख के भी तुमको लाप्लास पूछ सकता है ना, तो ऐसे बना लेना। आगे बढ़ें, ठीक है क्लियर हुआ, क्लास और लेना पड़ जाएगा। ये है ना, ये है ना, ये हाँ पावर में है, ठीक क्लियर। बस तुमको याद रखना है साइन का इतना होता है माइनस अल्फा करने से पावर में एक पावर माइनस अल्फा ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेकंड शिफ्टिंग। ठीक ठीक है ना, ठीक है क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। चलो एक क्लास और लगाऊंगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म।